बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आप जो बात आज जो हम करने वाले हैं वो है डेटा एंट्री ऑपरेशन, जो कि 229 सब्जेक्ट कोड है। और इसमें हम लेसन 5 करने वाले हैं इन चैप्टर 5, जिसमें जिसका नाम है मेल मर्ज। और मेल मर्ज बेसिकली कंप्यूटर के फील्ड में मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें कहीं ईमेल करना होता है या बहुत सारे लोगों को एक साथ कांटेक्ट करने के लिए हमें मेल मर्ज का ऑप्शन यूज़ करना होता है। तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे लिए, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मेल मर्ज में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेल मर्ज। मेल मर्ज के अंदर हम बात करें तो उसमें इसमें किस तरह टास्क होता है, क्या इनका काम होता है, इसके बारे में कैसे मेल मर्ज किया जाता है उसके बारे में। सो मेल मर्ज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन द मेल मर्ज, मेल मर्ज में किस टाइप के डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट होता है इसमें, और जैसे कि स्टैंडर्ड लेटर कोई हो गया, एनवलप हो गया, मेलिंग एड्रेस हो, मेलिंग लेबल हो गया, इज नोन एज ए मेन डॉक्यूमेंट। और इट इज डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टेक्स्ट एंड ग्राफिक दैट स्टे द सेम फॉर ईच वर्जन ऑफ द मर्ज डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल द रिटर्न एड्रेस एंड बॉडी ऑफ ए फॉर्म लेटर। नेक्स्ट आते हैं डेटा सोर्स। डेटा सोर्सेज जो होते हैं, ये डेटा सोर्स कहाँ से हमें एक फाइल लेनी है और किसके साथ जोड़ देनी है, इसे हम मेल मर्ज कहते हैं। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के बारे में हम जानेंगे। दैट मेल मर्ज व्हेन यू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स अ थर्ड डॉक्यूमेंट कॉल्ड मर्ज डॉक्यूमेंट। सो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट जब ऐड हो जाता है और वो कहीं दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो उस थर्ड डॉक्यूमेंट को कहते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज के ऑप्शन में अगर हम जाएं तो इसमें देखेंगे हम आप कि मेल मर्ज जो ऑप्शन है वो 2007 के वर्ड 2007 में अवेलेबल होता है। एंड क्लिक द मेलिंग टैब, हमें मेलिंग टैब पे क्लिक करना होता है, क्योंकि मेलिंग टैब ये रहा, अब दिखाई दे रहा होगा आपको मेलिंग टैब। एंड राइट द इंसर्ट फील्ड, और उसके बाद इसमें मेलिंग टैब पे करेंगे तो इंसर्ट फील्ड के अंदर क्लिक करना है एंड क्रिएट करना है, स्टार्ट मेल मर्ज करना है। राइट इंसर्ट फील्ड लिख करके प्रीव्यू रिजल्ट, और उसके बाद देख सकते हैं, डन फिनिश कर सकते हैं। तो यानी कि किसके साथ कैसे मेल मर्ज हुआ है ये भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मर्ज मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड में जैसे ही हम जाते हैं तो मेल मर्ज विजार्ड आता है, जिसके अंदर हम बात करें तो इसमें कहते हैं इसमें मेल मेल करने के लिए होता है, और साथ ही ये इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग एडिटिंग डॉक्यूमेंट को। कोई डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, और मर्ज करने के ऑप्शन को। तो मेलिंग में स्टार्ट मेलिंग मर्ज, मेल मर्ज में जाकर सब टास्क किए कर सकते हैं फ्रॉम द मेन टैब बार से, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन ऑन द टास्क सब टास्क बार, और उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं। तो सब टास्क बार यूज कर लिया हमने। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए तो मेल मर्ज के ऑप्शन में इस तरह से खुलता है कि आप क्या क्या चीज आप ऐड करने वाले हैं, मेल मर्ज करने वाले हैं। तो लेटर है या ईमेल है या एनवलप है या लेबल है या डायरेक्टरी है, उसके बारे में जब बात करते हैं। साथ ही हम बात करते हैं कि पर्सनलाइज लेटर कोई अगर आपको भेजना हो और बहुत अलग अलग लोगों को भेजना हो तो उसके लिए भी मेल मर्ज यूज होता है। और सेलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। सेकेंड स्टेप इन द प्रोसेस इज टू सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट अंडर अंडर लेटर ऑप्शन। देयर आर थ्री ऑप्शन अवेलेबल। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन अवेलेबल है। आगे बात करें स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट। टेम्पलेट के से स्टार्ट करें एंड स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट से करें तो मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं और हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ही, हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है तो उसे भी कर सकते हैं। सो उसमें टाइप ऑफ द बॉडी लेटर, बॉडी का लेटर है डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप लिख करके उसको अटैच कर दें, सेव कर दें। एंड थर्ड क्रिएट डेटा सोर्सेस, और डेटा सोर्स को कैसे क्रिएट किया था वो देखेंगे इसमें। सो मेल मर्ज में यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कोई ऑलरेडी बना हुआ है तो उसके लिए हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर न्यू करना है तो यहाँ पे न्यू लिस्ट में, या फिर आउटलुक से भी हम ले सकते हैं इसको। क्रिएटिंग डेटा सोर्स यूजिंग अ मेल मर्ज हेल्पर। मेल मर्ज हेल्पर जो है उसी यू कैन यूज द मेल मर्ज विजार्ड टू क्रिएट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल और एक्सेस डेटाबेस एंड डेटा सोर्सेज।
इसमें क्या कि न्यू लिस्ट भी हम ले सकते हैं, और एक्सेल एक्सेल हो या वर्ड्स हो या एमएस एक्सेस हो, सो इनमें से भी हम डेटा ले सकते हैं। टाइप न्यू लिस्ट एंड सिलेक्ट रिसिपिएंट द बॉक्स इन स्टेप थर्ड और मेल मर्ज विजार्ड, देन सिलेक्ट क्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, शुड यू वॉन्ट कस्टमाइज, शुड यू वॉन्ट टू कस्टमाइज कॉलम द फील्ड इन द न्यू एड्रेस लिस्ट टू रिमूव और एड एनी अदर फील्ड एज न्यू योर रिक्वायरमेंट, क्लिक ऑन द कस्टमाइज बटन लोकेटेड ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स। उसके बाद में कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स आपको मिलता है, उसके अंदर आप सेलेक्ट करते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिसको भेजना है, उसका नाम डिटेल वगैरह आप उसमें फिल कर देते हैं। उसके बाद ओके कीजिए एंड ओके के बाद सेव एज कीजिए। सेव एज करने के बाद एडिटिंग एग्जिस्टिंग डेटा डेटा रिकॉर्ड, और उसके बाद डेटा जो आपका अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा रिकॉर्ड है तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है। हेडर रिकॉर्ड डेट डेलिमिटर्स और सिलेक्ट टेबल। नेक्स्ट आते हैं हम क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स यूजिंग वर्ड टेबल एंड इंसर्ट टेबल। सो टेबल को भी इंसर्ट किया जा सकता है इसके अंदर, इसके ऑप्शन में दिए हुए किस तरह से टेबल आप बना सकते हैं और इसको डाल सकते हैं, इसके साथ लिंक कर सकते हैं। मर्जिंग द डॉक्यूमेंट, एड्रेस बुक को मर्ज किया किया जा सकता है। मर्ज करने के बाद में विजार्ड के मेन मर्ज विजार्ड के थ्रू इसमें ऐड करने के बाद में इंसर्ट एड्रेस बुक और एड्रेस बुक को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मर्जिंग द डेटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज करना डॉक्यूमेंट को, और फिर उसके बाद प्रिंट भी कर सकते हैं आप चाहें तो, और हर एक को अलग अलग सिंगल में लेटर भी भेज सकते हैं। क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द न्यू द स्टैंडर्ड टूल बार एंड द सिलेक्ट मेलिंग स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क ऑन द टैब ऑन द मेन टैब बार अंडर सब टास्क स्टार्ट मेल मर्ज लेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स विल डिस्प्ले द लेबल ऑप्शन। लेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रिंटर एंड लेबल यू वॉन्ट टू यूज एंड देन क्लिक ओके एंड इफ द टाइप नंबर बॉक्स प्रोडक्ट ओपन डेटा सोर्स एंड मेलिंग सिलेक्ट एड्रेस। मर्ज द डेटा इन टू द मेन डॉक्यूमेंट इन द मेलिंग प्रीव्यू रिजल्ट, और उसके बाद में आगे मेलिंग का प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं जिसमें दिया हुआ है, और इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं मेल में जो डॉक्यूमेंट को फिनिश करने के बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट की डिटेल्स मिल जाती है, और क्रिएटिंग एनवलप बाय द मर्जिंग, और उसके बाद आप एनवलप भी क्रिएट कर सकते हैं जो किस साइज का होना चाहिए, वो साइज सेलेक्ट करने के बाद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जो वो आप देख सकते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और एडिट रिसिपिएंट लिस्ट, और उसके बाद एडिट कर सकते हैं किसको मिलने वाला है या किसको हम भेजने वाले हैं, उस लिस्ट को भी हम ऐड कर लेते हैं। मर्ज द डेटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट एंड मेलिंग द रिव्यू रिजल्ट, और उसके बाद में रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये था हमारा मेल मर्ज का, मेल मर्ज के ऑप्शन आप कर सकते हैं। साथ ही हमारी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें क्वेश्चन आंसर की है, उस पर जाके आप वहां पे उन क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए कि क्या क्या स्टेप हैं इसके। स्टेप ऑलरेडी बताया है इसके अंदर से, और इसके अंदर जो डायलॉग बॉक्स दिए हुए हैं जितने भी उनमें आप गो थ्रू होते हैं तो आप सिस्टम पे करके इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं
मेल मर्ज हमारा कंप्लीट हुआ, और मेल मर्ज के बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा सिक्स चैप्टर। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, साथ ही व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर। और ये जिस तरीके से भी बताया है उसमें अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप कर लेंगे, स्टेप इसमें ऑलरेडी स्टेप सारी दी हुई हैं। और ऐसे ही आपको न्यूज़ नई वीडियो आपके सब्जेक्ट को बेस पे मिलती रहे, और आपको जो सब्जेक्ट में अगर कोई वीडियो तुरंत चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए या फिर मैसेज या कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इस हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स इसमें मिलते रहें, आपके सब्जेक्ट वाइज सभी चैप्टर्स की डिटेल वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।